तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोकराझार। स्वागत है और एक नई वीडियो में। दार्जिलिंग से मैं आ गया, तो अभी फिलहाल कोकराझार में हूँ। हालांकि किस साइड में जाऊंगा आज, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो भाई अभी तक तो सोया है, मतलब अभी तक तो उठा नहीं। और रीक भाई उधर, मतलब एक दोस्त की रूम पे गया हुआ है सोने के लिए। मैं हॉस्टल में हूँ एक्चुअली रीक भाई लोगों के साथ, एंड दार्जिलिंग में मेरे साथ बुरा हुआ। स्टोरी बता देता हूँ आप लोगों को। मैं कैंपिंग करने के लिए गया था एक मंदिर। आप लोगों ने अगर वीडियो देखा हो तो आप लोगों को पता होगा कि उधर दार्जिलिंग में महाकाल को था। मैं उधर गया, इसके मंदिर का जो गुरुजी होता है उसको जाके पूछा। उसने बोला हाँ कर सकते हो, थोड़े मुझे वेट करने के लिए बोला। एंड मैंने वेट किया लगभग आधा घंटा 40 मिनट ऐसे करके मैंने वेट किया। एंड एक लौंडा आया, लौंडा ने मतलब ऐसा बोला कि भाई तुम कहाँ से हो, तुम आसाम से हो ना, ऐसे बोला। इसके बाद यह मैंने बोला हाँ जी हाँ मैं आसाम से हूँ, तो इधर कैंपिंग वैम्पिंग नहीं होता और दूसरे जगह पे जाके देखो। उसके बाद मैंने और फिर से मैं जगह ढूंढा कैंपिंग के लिए, लगभग 4 या 5 ऐसे करके मैं लोकेशन पे गया, जगह नहीं मिला। तो इसके बाद मैंने क्या बस स्टॉप पे आया ऐसा करके डायरेक्ट NGP मतलब भाई गुरीरा ऐसे क्या होता था मुझे याद नहीं मिला। तो उन्होंने इधर होटल लेके रखा था, इसके बाद उन लोगों के साथ रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ मतलब कोकराझार पहुंच गया। ये था मेरा स्टोरी दार्जिलिंग का। ट्रेकिंग करना है, मतलब दो लोग भी घर में जाएंगे, वो लोगों का घर शिव सागर में है, तो वो लोग शिव सागर जाएंगे एंड मैं निकलूंगा मेघालय की तरफ। इधर का तो कुछ पता नहीं, फिलहाल बारिश हो रहा है, इसका दिन मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। भाई लोगों को आज सोने वाला हूँ, वापस मिलेंगे कभी। और रिक भाई किधर है देखते है। तो फाइनली हम लोग निकल गया हूँ हॉस्टल से, एंड बारिश दे रहा है फिलहाल, अभी क्या होता है पता नहीं। एंड अम्ब्रेला कैरी किया है, वो लोग भी घर चला जाएगा, अभी अपना मंजिल कब मिलेगा पता नहीं। पर जारी रहेगा। कुछ है नजारा यहाँ का बहुत बड़ा है, उधर रुका था रात को। ये सब है देखलाओ, डी वालू हॉस्टल था, मतलब इधर हम का था। बस निकलते हैं, आगे का जर्नी स्टार्ट करते हैं। गूगल दिखा रहा है कि यहाँ से लगभग 178 किलोमीटर। कोशिश करता हूँ चेकिंग के लिए, ये मैंने ले लिया है कार्ड, ट्राई करेंगे अभी थोड़ा आगे जाके करूंगा। भाई लोगों को अभी बाय बाय कहने का समय हो गया है, इससे मिलेंगे एक दिन। मैं चलता हूँ, तुम लोग भी टिकट करो। तो अभी मैं निकलता हूँ एंड यहाँ से मेरा आगे का जर्नी स्टार्ट हो गया है। अभी पहला लिफ्ट मिलता है कि नहीं कोशिश करते हैं। इधर रुक गया है। एक्सक्यूज मी भैया, कहाँ तक जाओगे आप? मैं फिलहाल गोलपारा के लिए निकल रहा हूँ इधर से, तो आप कहाँ तक जाओगे? आई एम फ्रॉम तामुलपुर। तो पहला लिफ्ट मिल चुका है मुझे एंड भैया ने मुझे लिफ्ट दिया है फिलहाल। हाय बोल दीजिए भैया, आपका नाम? हम डॉक्टर रुपम ज्योतिनाथ, हम फ्रॉम बोंगाईगांव। तो फर्स्ट मेरा लिफ्ट है ये, एंड जो मैं जर्नी का स्टार्ट कर रहा हूँ फिलहाल। और ये भैया मेरा मतलब फर्स्ट मुझे हेल्प किया है, तो भैया जी थैंक यू सो मच। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर यू, थैंक यू। फर्स्ट लिफ्ट मुझे मतलब मिल गया एंड अभी यहाँ से और स्टार्ट करूंगा। एंड मैप देख लेता हूँ फिलहाल, इस वे जाना होगा शायद। रोड से जाना मेरे लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा मुझे पता नहीं, कोशिश करते हैं इधर से ही जाने के लिए। फर्स्ट लिफ्ट मिला है अभी फिलहाल, इस रास्ता से जाना है। फिलहाल मैं इधर से आया था, अभी कोशिश करेंगे हिचहाइकिंग के लिए। मेरा फर्स्ट लिफ्ट भैया था, बहुत ही अच्छा लगा पहला लिफ्ट। सेकेंड लिफ्ट के कोशिश में अभी फिलहाल हूँ, कौन देता है सेकेंड लिफ्ट, ट्राई करूंगा अभी, देखते हैं क्या होता है। आगे तक लिफ्ट दे सकते हो? थैंक यू, मिल गया। कितने किलोमीटर जाओगे आप? लगभग 3 किलोमीटर। ओ भैया सीख गया, बहुत अच्छा लगा। और कितना किलोमीटर लिफ्ट होगी मुझे? ओके 17 किलोमीटर लिफ्ट देगा। तो भैया जी ने मुझे सेकेंड लिफ्ट दिया है अभी फिलहाल। हाँ नहीं, मैं लिफ्ट लेके आपके जैसे मैं अभी लिफ्ट लिया हूँ और आगे भी ऐसे ही लिफ्ट लेके ही जाऊँगा। सफर कैसा है ये सफर? तो भैया ने मुझे लिफ्ट दिया यहाँ तक, तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। तो गाइस बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि सेकेंड टाइम मुझे लिफ्ट मिल गया अभी। फिर से और कोशिश करते हैं ना जा सकता है इधर से। मेन टाउन ही है फिलहाल, तो इधर बिचाई करना थोड़ा मुश्किल होता है मेन टाउन में। मुझे कैश भी निकलना है, ऐसे ही है फिलहाल, ATM ढूंढे और कैश निकल लेते हैं, मुश्किल हो जाएगा अभी टाउन में रहते ही अगर मैंने कैश नहीं निकला तो। एंड जब तुम ऐसे निकलोगे घर से अगर बोर्ड लेके बैग लेके, तो लोग इतना देखेगा आपको, मतलब बोलो ही मत, खतरनाक वाला देखता है, तो क्या ही बोले। तो मेरा काम है अभी ATM मतलब ढूंढ रहा हूँ मैं, लगा कि नहीं पता नहीं है क्योंकि मुझे विथड्रॉ करना है
मनी मैं आया था टेबलेट लेने, तो अभी भैया ये हाय बोल दो भैया। हेलो हाय। क्या नाम है आपका? मेरा भी नाम तुम्हारा भी नाम सेम विश्वजीत। तो भैया की नाम भी विश्वजीत है और मेरा भी नाम भी विश्वजीत है। तो अभी निकलते हैं भैया की दुकान से। तो बाय बाय भैया जी। टेबलेट ले लिया था बुखार ये सब सर्दी का। गूगल मैप भी थोड़ा मतलब उल्टा सीधा दिखा रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाता है ऐसे अगर दिखाता है। ATM इधर है फिलहाल, जाते और पैसा विदड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक भी कैश नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाता है अगर कैश नहीं होता है। तो फिलहाल जाते हैं इधर ATM पे। इधर बहुत भीड़ है यार, क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। तो भाई फिलहाल मैं पैसा विदड्रॉ कर लिया, तो इधर जाना है। इधर टर्निंग है एक, बस चलते हैं। फिलहाल अम्ब्रेला है अगर ज़्यादा दे दिया तो, बस अभी छोटा छोटा बारिश ही दे रहा है। तो ऐसे मेन सिटी में ऐसे लिफ्ट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा टाउन से बाहर निकल जाता है। तो 300 meters और मुझे पैदल चलना पड़ेगा इधर से, इसके बाद लेफ्ट लेना पड़ेगा मुझे। इधर टाउन में ना मुझे लिफ्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है, और फिलहाल जाना होगा मुझे यहाँ से और देखते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है मैं लोकल मतलब लोकल साइड की तरफ आ गया हूँ। फिलहाल मैं हिचहाइकिंग करने की कोशिश करूँगा, यहाँ से मैं ट्राई करूँगा हिचहाइकिंग के लिए। देखते हैं इधर मिलता है कि नहीं। ये तो लग रहा है कि मिलना चाहिए, बस देखते हैं आगे जाके और क्या। तो बने रहिए लास्ट तक। तो गूगल मैप की बारिश में अभी जा रहा हूँ, पता नहीं क्या मिलता है इधर, देखते हैं क्या होता है। अगर लिफ्ट मिलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं। इधर फिलहाल इधर कॉलोनी जैसा लग रहा है मुझे तो, अभी बस पता नहीं फिलहाल इस रास्ता का क्या सीन है। बस लिफ्ट मिला तो ठीक है, देखते हैं। और मैं कोशिश करूंगा मैं पैदल ही इस रास्ता को क्रॉस कर लूं। अगर मैं बैठा रहा तो मेरा भी कुछ टाइम लॉस्ट हो जाएगा ना, इसलिए। कुछ सीन है रोड का, ऐसा है रोड, तो देख सकते हो। और मुझे बस लिफ्ट चाहिए अभी फिलहाल। ओ भाई से लिफ्ट मिल गया है अभी। भाई नाम बता दो अपना। तो फाइनली लिफ्ट जाए फिलहाल साइकिल लिए, साइकिल से कितना किलोमीटर देता है बता नहीं। फिलहाल ट्रैवलिंग करने में क्या क्या मिल जाता है यार, इतना अच्छा होता है लोग। क्या नाम बताया था? धनंजय वीर। हाँ टेंट पास आउट है, मेरे जैसा ही है। मैं इधर जाएगा इधर से। हाँ और ठीक है, तो फिर थैंक यू। एक भाई से लिफ्ट मिल गया था, साइकिल से लिफ्ट दिया एंड थोड़ा बहुत आगे जाना होगा मुझे। ओहो लिफ्ट मिल जाता शायद मुझे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अंदर देखते हैं नेक्स्ट लिफ्ट के लिए। तो भैया एक मिल गया, लिफ्ट दे दिया है अभी। हाय बोल दो भैया। लिफ्ट मिल गया भैया से, अभी इधर थोड़ा कोशिश करेंगे इधर से डायरेक्ट जाने के लिए। अलग ही मतलब एक्सपीरियंस होता है ऐसे ट्रैवल करने का। फिलहाल कोशिश करते हैं, और नेक्स्ट 3 मिनट ट्राई किया फिलहाल नहीं मिला, और देखते हैं कोशिश करते हैं मिलता है। अभी चलता रहूँगा, लिफ्ट ट्राई करता रहूँगा, बस एक लिफ्ट मिल जाए तो अच्छा होगा। देखते हैं कितना मिलता है मुझे। तो अभी 2-3 बाइक मिला, अभी एक साइकिल मिला, बस देखते हैं ट्राई करके देखते हैं। मतलब लिफ्ट दे सकते हो, लिफ्ट दे सकते हो आप? कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक जाओगे? कितना किलोमीटर? 22 किलोमीटर होगा। तो मुझे लिफ्ट दे सकते हो? मैं आप सर जा सकते हो थोड़ा आगे तक? मैं तो अभी यहाँ गोलपारा जाऊँगा मतलब लिफ्ट लेके, लेकिन आप जितना जाओगे आप मुझे छोड़ सकते हो? ओके थैंक यू सो मच। तो लिफ्ट मिल गया, अभी मेघालय जाऊँगा मैं फिलहाल ऐसे लिफ्ट लेके। तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम टुटू डका है। मुझे लग रहा था कि आप मुझे इधर लिफ्ट नहीं मिलेगा, तो जल्दी ही मिल गया। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर, रास्तों से मेरी गहरी यारी। तो फिलहाल अंकल ने मुझे 22 किलोमीटर तक लिफ्ट दे दिया है। फिलहाल यहाँ से और आगे जाऊंगा, इधर सीधा मतलब बहुत सारा जो होते हुए गाड़ी चलता है इधर, इधर कोशिश करूँगा मिलता है कि नहीं। एंड इसके बाद इधर से मतलब ये मेन शौक है, फिलहाल मैं यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि शौक से लिफ्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं थोड़ा बहुत खुला जगह पे जाऊँगा इधर आगे, और देखते हैं क्या होता है, लिफ्ट मिलता है कि नहीं। नहीं तो इधर ही कुछ जुगा
जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एंड टाइम अभी लगभग है 1:29। सफर कैसा है ये सफर?